जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक नाबालग लड़की का कान कट्टण के मामले में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दसवीं जमात दे विद्यार्थिना ग्रुप में पिकनिक मनाने पहलगाम गई सन। शाम को परतते समय जदों वह बस राही वापस आ रही सन तो इस दौरान वेरीना कोल वैन में लंघ रहे कुछ नौजवानों ने लड़कियों से भद्दियां टिप्पणियां की। लड़कियों ने इसका विरोध किया। इस गल से विवाद बढ़ गया। लड़कियों ने एक लड़की के कान तेज़धार हथियार नाल काट दिता। लड़की फिलहाल हस्पताल विच भर्ती है। घटना तो बाद खेतर विच तनाव का माहौल बन गया। घटना के विरोध विच सैकड़ों की गिनती विच लोग सड़कों ते उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने दोष लगाया कि लगातार शिकायत मिलने तो बाद भी पुलिस अजिहे शरारती अंसरां खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जिस नाल इन्हां अपराधियों का हौसला वधदा है। हालांकि लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने सारे सात मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस दे नाल ही स्कूल के वाइस प्रिंसीपल को भी मामले ते ध्यान नहीं देने के कारण मुअत्तल कर दिया गया है। कंसर्न हायर सेकेंडरी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मतलब ज़ोरदार कार्रवाई की जाए और यहाँ बच्चे जो इन्होंने अरेस्ट किए हैं उनके खिलाफ जो भी FIR है जो भी एक्ट्स है वो पब्लिक के सामने लाए। तो हम पुरामन तौर पर तब तक यहाँ पे ही बैठेंगे जब तक वो FIR कॉपी हमें नहीं दिखाएंगे कि उसमें इनके खिलाफ कौन कौन से एक्ट्स लगे हुए हैं। इफ़ दे आर नॉट मतलब इन दिस इंटरेस्ट, अगर वो इस मुतालबे को हमें हमारा मुतालबा पूरा नहीं करेंगे तो वी वांट हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। हम खुद कानून में हमारा एक प्रोविजन है, हम खुद अदालत में इनके खिलाफ केस लड़ेंगे। ये वाका परसों का है और वहाँ पे एक स्कूल जो है था यहाँ वेरीना का, वो एक्सकर्शन पे गए हुए थे पहलगाम और वापसी पे कुछ लड़के जो उनको फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने कुछ इंडीसेंट एक्ट्स परफॉर्म किए हैं और उस वजह से ये जो लड़की है उसका जो कान है वो पार्शली डैमेज हो गया है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फिलहाल हमने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है पूरे जो मुलजिम हैं वो गिरफ्तार हैं और जो वैन है कंसर्न वैन है वो भी हमने सीज़ की है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।